साल शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं। पहले पठान और जवान की मैसिव सक्सेस और अब डंकी का भी बज बनता दिख रहा है। वैसे तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट 2023 इज द ईयर ऑफ शाहरुख खान। जवान ने थिएटर्स में रिलीज होने पर तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा ही दिया था, लेकिन अब ओटीटी की दुनिया में भी रिकॉर्ड बना दिया है। यस यू हर्ड दैट राइट, शाहरुख खान की फिल्म जवान नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। जवान 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। एटली के डायरेक्शन में बनी जवान को 2 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और अब ये नेटफ्लिक्स इंडिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है और ये न्यूज खुद नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, विक्रम राठौर ने अब हमारे दिलों और रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि जवान को नेटफ्लिक्स इंडिया पर 3.7 मिलियन व्यूज मिले हैं। जवान ने जहां देश भर में 600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए थे, वहीं ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1160 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा विजय सेतुपति, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और संजय दत्त समेत कई सारे स्टार्स नजर आए थे। शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो डंकी 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या डंकी पठान और जवान के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए बॉलीवुड लाइफ के साथ।